नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। नगर परिषद गौतमपुरा को एक बार फिर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सम्मानित किया गया है। गौतमपुरा नगर परिषद ने पूरे प्रदेश में एकमात्र ऐसी नगर परिषद होने का खिताब हासिल कर लिया है जो एक बार नहीं अनेक बार अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। हाल ही में गौतमपुरा को पिछले 6 माह में 2 अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस कड़ी में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया था, इसी स्वच्छता पखवाड़ा का समापन कार्यक्रम भोपाल के उषा भाव ठाकरे सभागृह में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर नगर पंचायत व परिषदों को सम्मानित किया गया। पूरे संभाग में बेस्ट ब्लैक स्पॉट रूपांतरण का उत्कृष्ट कार्य करने पर गौतमपुरा नगर परिषद को अवार्ड दिया गया है। इसके पहले भी गौतमपुरा नगर परिषद 5 बार पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। मुख्यमंत्री के हाथों परिषद के पदाधिकारियों को प्रशंसा पत्र मिला है। सम्मानित होने वाली हस्तियों में नगर परिषद अध्यक्ष हर्षाली बाहेती, पार्षद गगन बाहेती, CMO मयूरी वर्मा, स्वच्छता निरीक्षक नोडल अधिकारी आशीष चौबे आदि शामिल हैं। आयोजन में मुख्यमंत्री के साथ सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्री कुमार कश्यप, सहकारिता खेल मंत्री सहित तमाम हस्तियां शामिल थी। गौतमपुरा से श्री हर्षाली बहेटी जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। इंदौर जिले के गौतमपुरा निकाय के वार्ड क्रमांक 4 में स्थित ब्लैक स्पॉट को शानदार रूपांतरित किया गया है और पहले जहां कचरा का ढेर होता था वहां नागरिक सहभागिता से बेहद खूबसूरत स्थल निर्मित हो चुका है जो कि नागरिकों के टहलने के लिए और बच्चों के खेलने के लिए अब उपयुक्त है। हमारे साथ जयथरी के अध्यक्ष हैं, मंच पर आमंत्रित करते हैं। गौतमपुरा से श्रीमती हर्षाली जी हैं जो कि अपना सम्मान प्राप्त करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों के शुभ कर कमलों द्वारा, इंदौर जिले के गौतमपुरा से हैं आप और अनूठा कार्य किया गया है, आपने शानदार रूपांतरित किया है एक ब्लैक स्पॉट को, जोरदार तालियां हो जाए। अनूठा कार्य पूरे समाज के लिए और एक ऐसा स्थल जो कि ब्लैक स्पॉट हुआ करता था बेहद खूबसूरत बन चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करेंगे छतरपुर से श्री